और देश का इतिहास में बिहार का प्रथम स्थान पहले भी था, आगे भी रही, संकल्प को साकार करना और नई शिक्षा नीति देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक रंजन। आज एलएस कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस है। इस दौरान देखो बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा भी एलएस कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे, जहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान शहर के गणमान्य लोग के साथ एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय भी मौजूद थे। इस दौरान विजय सिन्हा ने छात्रों को संबोधन किया है, उनकी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वो आप सुनिए। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे पूर्वजों की जो सांस्कृतिक विरासत और बच्चों के प्रति उस गुलामी की दास्ता से मुक्ति के लिए जिन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में इस तरह के संस्थान का निर्माण किया है, उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने और अपने बच्चों को ये बताने बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़ करके हमारे हर बिहारी गौरवान्वित हो, बिहार का जस फिर से फैले और देश का इतिहास में बिहार का प्रथम स्थान पहले भी था, आगे भी रही, संकल्प को साकार करना और नई शिक्षा नीति देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बच्चों को उद्यमी और बच्चों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आगे पढ़ने का अवसर देने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी में सब लोग मिलकर के सहयोग करें और कदम बढ़ाएं। पूरी तरह से माननीय राज्यपाल महोदय की जो संरचना है और शिक्षा विभाग की जो रणनीति है, उससे आने वाले समय में बेहतर वातावरण बनेगा, शैक्षणिक माहौल और बेहतर बनेगा। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी है और जिस परिस्थिति में ये एलएस कॉलेज बना उस समय शिक्षा का अभाव था, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा धरोहर और ये कॉलेज मुजफ्फरपुर के लिए ऐतिहासिक कॉलेज है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।